अब इसके अंदर हम स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है देखिए होल स्टेप W को डिनोट करता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है W, होल स्टेप W, होल स्टेप H मीन्स हाफ स्टेप W देन अगेन मीन्स होल स्टेप W देन अगेन मीन्स होल स्टेप डब्ल्यू देन अगेन मीन्स होल स्टेप देन एच डिनोमिनेट्स हाफ स्टेप ये हमारे नेचुरल मेजर स्केल का फॉर्मूला रहता है होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप देन हाफ स्टेप मतलब सी से डी के बीच में होल स्टेप हमने लिया अब समझने वाली बात यह है कि, कि किसी भी एक नोट से सेकेंड नोट जो उसके सेकेंड नोट लाए करता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाफ स्टेप का रहता है मतलब सी और सी शार्प जैसे मैंने बताया सी सी शार्प डी तो सी से सी शार्प का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप सी शार्प से डी का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप डी से डी शार्प का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप डी शार्प से ई e का डिस्टेंस हुआ हाफ स्टेप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सारे शार्प्स बताएँ उसके बीच में मतलब नेचुरल नोट सी से सी शार्प हाफ स्टेप सी शार्प से डी हाफ स्टेप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हाफ प्लस हाफ यानी कि सी शार्प टू सी टू सी शार्प देन सी शार्प टू डी इट विल बिकम हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू वन इस तरीके से वन स्टेप को बोलते हैं हम वन होल स्टेप तो अगर आपको किसी भी नेचुरल स्केल मतलब नेचुरल स्केल बनाना है मेजर स्केल बनाना है किसी भी की से तो सबसे पहला आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप एंड देन हाफ स्टेप इस फॉर्मूले को लेकर के अगर आप किसी भी रूट नोट को लेकर के स्केल कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं अभी मैंने आपको सी डी ई एफ जी ए बी सी के लिए बताया अगर मैं इसको कहता हूँ एक मेजर स्केल है एक नेचुरल मेजर स्केल है तो सी और डी के बीच में आपको मैंने जैसे बताया कि एक शार्प नोट है जो कि सी शार्प ब्लैक की से डिनोमिनेट करेंगे हम तो सी से सी शार्प हाफ स्टेप हुआ सी शार्प से डी हाफ स्टेप हुआ क्योंकि हमने सी शार्प को ओमिट करा तो यानी कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस मेजर किया या चले हम सी से डी के लिए पूरा वन स्टेप इसी तरीके से जब हम डी से ई e पे गए तो हमने किसको स्किप किया डी शार्प को स्किप किया यानी कि कितने स्टेप हम आगे गए डी से ई e तक जाने के लिए डी टू डी शार्प हाफ स्टेप डी शार्प टू ई हाफ स्टेप तो हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू वन स्टेप सी टू डी दैट विल बिकम्स वन स्टेप डी टू ई दैट विल बिकम्स वन स्टेप अब जब हम ई e पे पहुंच गए ई e पे पहुंचने के बाद जब हमने हाफ स्टेप कैलकुलेट किया तो अगला ही नोट हमारे को पता चलता है कि ई e है सॉरी एफ है तो सी टू डी होल स्टेप डी टू ई होल स्टेप ई टू एफ हाफ स्टेप लाइक वाइज जब हम एफ टू जी गए तब हमने एफ शार्प को ओमिट किया <coughs> जब एफ शार्प को ओमिट किया तो हमने कितना डिस्टेंस मेजर किया मतलब छोड़ दिया एफ से एफ शार्प एफ शार्प से जी टोटल मिला करके होल स्टेप यानी कि एफ टू जी हम जब गए तो हमने होल स्टेप ले लिया लाइक वाइज जी से ए गए तब हमने कौन सा शार्प नोट छोड़ा ओमिट किया जी टू जी शार्प जी शार्प टू ए टोटल मिलाकर के होल स्टेप अगला ए टू बी जब हम गए तो हमने ए शार्प को हमने ओमेट किया सेम चीज ए टू ए शार्प हाफ स्टेप ए शार्प टू बी हाफ स्टेप हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल्स टू होल स्टेप तो ए टू बी के अंदर बीच के अंदर डिस्टेंस हुआ पूरा होल स्टेप का बी से सी के लिए कोई भी शार्प नोट नहीं होता कोई भी शार्प नोट बी टू सी में नहीं आता तो बी टू सी हमारा हाफ स्टेप को डिनोट करेगा तो हमारा इससे फॉर्मूला क्या निकल के आया कि हम C टू D में जाते हैं तो होल स्टेप निकलता है D टू E में जाते हैं तो होल स्टेप निकलता है E टू F में जाते हैं हाफ स्टेप होता है F टू G जाते हैं तो होल स्टेप होता है G टू A जाते हैं तो होल स्टेप होता है A टू B जाते हैं तो होल स्टेप होता है और B टू C जाते हैं तो हाफ स्टेप रहता है इस चीज को लेकर के हमने एक मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट किया तो अगर मैं कहूँ कि जी स्केल से मतलब जी नोट से मुझे एक पूरा स्केल बनाना है तो आप समझने वाली बात यह है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मगर थोरिटी के लिए अगर हम कहें तो जी देखें पहले उससे पहले हमको यह समझना चाहिए कि सी डी ई एफ जी ए बी सी इनमें कितने शार्प्स आते हैं जो कि मैंने बताया आपको सी टू डी जाते वक्त सी शार्प डी टू ई जाते वक्त डी शार्प ई टू एफ जाते वक्त कोई शार्प नहीं है एफ टू जी जाते वक्त एफ शार्प जी टू ए जाते वक्त जी शार्प ए टू बी जाते वक्त ए शार्प और बी टू सी जाते वक्त कोई शार्प नोट नहीं रहता ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है सी टू सी तक का और यही चीज़ फिर दोबारा आगे रेप्लिकेट हो जाती है अगर हम पियानो को देखें या सिंथेसाइजर को देखें तो सी टू सी जाते हुए उसके बाद फिर हम सी से आगे और जाते हैं तो सेम चीज़ हमको मिलती है यानी कि यही चीज़ हमारी रेप्लिकेट रेप्लिकेट आगे से आगे होती जाती है जब ये आगे से आगे रेप्लिकेट होती जाती है तो हम किसी भी नोट से एक मेजर स्केल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं